24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेट नजर आया। एक जगह क्योंझर में, क्योंझरगढ़ में 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उसके बाद हम तापमान की बात करें, तापमान में अगर कल के मुकाबले तापमान थोड़े घटे हैं, इसमें अगर बोध का हाईएस्ट टेम्परेचर 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर 41.7 डिग्री सेल्सियस और कटक का 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम झारसुगुड़ा का 42.2 डिग्री सेल्सियस, बुलांगीर 41.7 और कटक भवानीपटना का 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर में 24 आवर चेंज की, तो जैसे कि मैंने बताया तापमान जो है बादल आने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो क्लाउड की वजह से बारीपदा में -7.4 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया, छतरपुर -3 डिग्री सेल्सियस का, नुआपाड़ा में -2.4 डिग्री का, तिथरागढ़ -1.5 डिग्री का, सोनपुर में -1.4 डिग्री का 24 आवर चेंज देखा गया मैक्सिमम टेम्परेचर में। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। अगले 5 दिन तक उड़ीसा में कुछ जगह पर एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ जगह पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, इसलिए 5 दिन तक रेनफॉल के संभावना है। और डे वन में अगर बात करें झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, जबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, देनकना, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, गंजम, गजपति, रायगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, नारायणपुर, कोरबा, मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे वन में थंडरस्टॉर्म और आइसोलेटेड प्लेस पे 1-2 स्थान में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग इश्यू की गई है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, क्योंझर, गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, कोरबा, मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 17 तारीख को भी डे टू में भी येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की। 1-2 स्थान पर लाइटनिंग हो सकती है, उनमें कोस्टल उड़ीसा के साथ मयूरभंज, क्योंझर, अनुगुल, ढेंकना, कंधमाल, रायगढ़, कोरबा, मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी प्रकार 18 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है, इसलिए सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, कोरबा, मुल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है। 19 तारीख डे फोर में भी कुछ जगह पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। डे फाइव 20 तारीख को भी लगभग ज्यादातर जगहों पर उड़ीसा में येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की, एक आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो आने वाले कुछ दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर से थोड़ा राहत मिलने वाली है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, अगले 3 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक स्लाइटली फॉल होने की संभावना है, उसके बाद ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। फिलहाल अभी कुछ जगह पर अभी भी उड़ीसा में 40 डिग्री और उससे थोड़ा ज्यादा जाने की संभावना है, और जो तापमान उड़ीसा में कुछ जगह पर अभी भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहने की संभावना है। भुवनेश्वर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गंजम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु। गंजम समाचार फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।